भाई दोस्तों, इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलोज। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बींग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उस पर पेनल्टी डाली जाती है कितनी। देखिए, अगर यहाँ पर वो एक डे डिले करता है, लिख लेते हैं डेज डिले। अगर वो यहाँ पर एक डे डिले करता है, लेट से उसने फर्स्ट डे डिले कर लिया, पेनल्टी कितनी हो गई, यहाँ लिख लीजिए पेनल्टी कितनी हो गई। फर्स्ट डे की पेनल्टी है उसके पास ₹200, ठीक है। अगर उसने दूसरे दिन भी काम को डिले किया तो पेनल्टी कितनी बढ़ जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी दोस्तों ₹250। अगर तीसरे दिन काम डिले किया तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, पेनल्टी देखें यहाँ पर 300 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर वो यहाँ पर और भी नंबर ऑफ डेज डिले करता चला गया, ठीक है, तो पेनल्टी क्या होगी, देखिए पेनल्टी भी बढ़ती चली जाएगी। किस तरीके से, गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग लीजिए। इन दोनों में कंसेक्यूटिव टर्म में, सक्सेसिव टर्म में डिफरेंस कितना है, ₹50 का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे पेनल्टी बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है पेनल्टी, क्योंकि ₹50 की एडिशन होती जा रही है हर डे पे। मतलब कि जितने नंबर ऑफ डेज वो बढ़ाता जाएगा, उतने ही उसकी पेनल्टी का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। कितना, ₹50 के अमाउंट से, ये बात यहां पर कही जा रही है। अब ये कहता है कि कितना काम डिले हो गया, 30 दिन का काम डिले हो गया। मतलब कि यहां पर नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30th डे, 30 दिन का काम डिले हुआ, मतलब कि एन की वैल्यू यहां पर है 30। और अब ये पूछा गया, अगर 30 दिन का काम डिले हो गया तो ये जो पेनल्टी की वैल्यू है, टोटल पेनल्टी कितनी होगी, ये यहां पर पूछा गया है, ठीक है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यहां पर इनडायरेक्टली पता है आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि अगर उसका 30 दिन का काम डिले हो गया तो 30 दिन में कितना टोटल यहां पर आप सम बनेगा, सम सम ऑफ पेनल्टी ऑफ 30 डेज, ठीक है ना, ये टोटल अमाउंट कितना बनेगा। मतलब ऐसे हम इसको S30 भी लिख सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सबसे पहले देखिए कहाँ दिखता है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए दोस्तों, यहां दिखेगा, देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है 200, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए 50 जो है वो कॉमन डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस ही है 50, ठीक है। टी एन की वैल्यू 30 दी गई है, बहुत ही इजी हो जाता है। अब हम सम निकालना, देखिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर सम का फंडामेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, SN=N/2 2A+(n-1)(t), ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें निकालना क्या था, हमें सम निकालना था 30 वैल्यूज का, 30 डेज का। कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू 30 है मेरे पास, डिवाइड बाय 2, ए कितना है, ए है 200, प्लस ऑफ एन कितना है 30, माइनस ऑफ 1 डी है मेरा दोस्तों यहां पर 50। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे, देखिए यहां पे क्या है, 30 डिवाइड बाय 2 इंटू, देखिए यहां पर 50, यहाँ पर 50 मुझे कॉमन लग रहा है, 50 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अगर 50 कॉमन लिया आपने तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू कितना बनेगा ये, 4+29 यहाँ मिल जाएगा, 30 में से 1 गया, 29 मिल जाएगा, 50 जो यहाँ रखा हुआ था ये बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आने वाला, देखिए इसको कट कीजिए, ये देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 15 बनने वाला है, ठीक है। 15 × 50 ये कितना आएगा, 750, ये आने वाला 4 × 8, 8+29 ये आएगा दोस्तों 37। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 37 कर दीजिए आप, आंसर आने वाला है आपका 27750, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ 30 डेज। तो सॉल्यूशन और आंसर लिख लीजिए कि टोटल पेनल्टी कितनी हो गई यहां पर, यहां पर देखिए टोटल पेनल्टी अमाउंट ऑफ 30 डेज, टोटल पेनल्टी का अमाउंट कितना 30 डेज में, वो है ₹27750, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के बाद ये बताया कि एक्चुअली हमें निकालना क्या है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर हमें पड़ने वाली है।